हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शहनवाज आलम, मैथमेटिक्स लेक्चरर, करीम सिटी कॉलेज, मानगो कैंपस। दिस इज़ माई 12th वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक टुडे, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से सीखोगे क्योंकि ये बहुत ही आसानी से नहीं समझ में आता। इसको आपको कॉपी पर लिखकर बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप मैक्सिमम टाइम्स बनाओगे, ज़्यादातर यह गलत हो जाएगा, लेकिन घबराने का नहीं है। 2-4 बार 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये परफेक्ट हो जाता है। इसमें बेसिकली आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ही इम्पॉर्टेंट है। चलो देखते हैं कैसे बनाना है इसको। क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया मैंने, सिंपल सा 1, 2, 3, 4। फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकालना है, ठीक है। कभी कभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, पहले हम लोग रो को देखते हैं, बाद में फिर कॉलम से देखेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, वी हैव, मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो हमें गिवन है। अब हम इसको लिख सकते हैं ना, देखो ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, 11th वाले वीडियो लेक्चर में, कि ए को अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही मैट्रिक्स वापस आएगा। तो ए इज इक्वल टू ए आई हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छा इनवर्स निकालने से पहले आपको पहले एक चीज़ चेक कर लेना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया है, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 में से 6 गया, -2 आ गया, जो कि 0 नहीं है। इसका ये मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर ये 0 हो जाता है फिर ए इनवर्स उसका उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं होगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमेशा पहले बनाने से पहले चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, पहले लेफ्ट वाला, लेफ्ट पोर्शन पहले होगा, 4 1 या 4, माइनस देंगे बीच में, 3 2 जा 6, 4 में से 6 गया, -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये रूल में है ना, पहले चेक कर लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा, इतना बनाना नहीं पड़ेगा। हम शुरू में बोल देंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, ये रूल है। तो ए इज इक्वल टू ए आई, तो हमने ए मैट्रिक्स को लिख दिया, यहाँ पर ए मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखा है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो ऑर्डर का लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमें यहाँ फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को देखना, यहाँ 1 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर यहाँ 1 प्रेजेंट नहीं है तो हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमें रेडीमेड बना बनाया हुआ गेम मिल रहा है ना, तो यहाँ रहने देंगे, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम यहाँ लाएंगे बाय द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमें क्या करना है, 1 के बाद हमें इस तरफ वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, और वही रो ट्रांसफॉर्मेशन को पैरेलली इधर भी ऑपरेट करते चलेंगे, ठीक है। देखते हैं, रो पहला हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं, 1 तो आ गया। इसके बाद आपको क्या देखना है, पहले यहाँ 1 बनाना है, फिर उसके नीचे आपको 0 बनाना है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बनाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर 0 बनाना है। इतने काम करने हैं आपको, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर उसके बाद इस तरफ 1, फिर यहाँ 0, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 0 बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, रो 2 में है ना, ये रो 2 इज़ रिप्लेस बाई रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ रो 1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखो 1 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो रो 2 को रिप्लेस करना है, क्या करना है, रो 2 माइनस 3 रो 1। रो 2 में 3 रो 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 में से 3 जाएगा तो क्या 0, 4 माइनस 3 2 जा 6। मतलब आप हम ऐसा कह रहे हैं कि 3 4 है ये रो 2 में, और रो 1 में क्या है मेरा, जो भी एलिमेंट्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ये 3 1 जा 3 हो गया और ये 3 2 जा 6 हो गया। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 6 माइनस 2 3 3 0 हो गया ना, तो ये 0 माइनस 2 आ गया। ये 0 माइनस 2 कहाँ लिख देंगे हम, रो 2 में, क्योंकि इसने कमांड दिया रो 2 पर लिखने के लिए ना, रो 2 में लिख देंगे। रो 1 एज इट इज़, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 1 0, 0 में से 3 गया तो -3, 1 में से 0 जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा, 3 × 0 0 होता है, कर लेंगे ऐसा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ के बाद यहाँ 1 बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, -1/2 से डिवाइड करो इसको। तो रो 2 इज़ रिप्लेस्ड बाई -1/2 टाइम्स ऑफ रो 2। इधर का रो 2 ऑपरेट होगा तो इधर का भी रो 2 ही ऑपरेट होगा, ठीक है। रो 1 में कुछ नहीं करेंगे, तो 1 2 हमारा एज इट इज़ रह गया, ये बन गया 0, ये बन गया -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1, ये 1 0 एज इट इज़, ये बन गया -3/2, ये माइनस था तो -3/2 हो गया, और ये 1 × -1/2, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करना है हमको, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रो वन, ये रो वन में है, रो वन इज रिप्लेस बाय रो वन माइनस टू टाइम्स, क्योंकि यहाँ टू है ना, टू टाइम्स ऑफ रो टू करते हैं, टू टाइम्स ऑफ रो टू, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा वन में से टू टाइम्स ऑफ रो टू करेंगे, टू इंटू जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन, टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रो टू को हमने कुछ नहीं किया तो जीरो वन, यहाँ भी वैसे ही रो वन में ही करना है, वन माइनस क्या करना है, वन माइनस टू टाइम्स ऑफ थ्री बाई टू, तो ये टू टू कट जाएगा, वन में से थ्री जाएगा तो माइनस टू हो गया, फिर जीरो माइनस टू टाइम्स ऑफ माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा आपका प्लस वन, तो मेरा माइनस टू और वन आ गया, ये माइनस टू और वन को हम यहाँ लिख देंगे और थ्री बाई टू और माइनस वन बाई टू यहाँ लिख देंगे, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये एज इट इज़ ए मैट्रिक्स हमारा चल ही आ रहा था और ये हमारा एक नया मैट्रिक्स बन गया। अब हम यहाँ गौर करेंगे कि अभी हमने पहले पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है और लेफ्ट हैंड साइड भी एक मैट्रिक्स है, मैंने बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो वो मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। तो देखो, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, ए का इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि ए जो हो गया, ये आइडेंटिटी है, ये ए है, ये इन्वर्स, ठीक है, तो आई लिख दिया मैंने इसको, ये तो ए है ही, इसको हमने ए इन्वर्स लिख दिया, तो ए इन्वर्स क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। हाउ टू चेक, अब हम कैसे चेक करेंगे इस मैट्रिक्स को कि जो हमने बनाया है ये करेक्ट है या रॉन्ग है, देखते हैं। ए इज इक्वल टू क्या था, वन टू थ्री फोर, ये मेथड सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ये मेथड से इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ये शॉर्ट ट्रिक है सिर्फ देखने के लिए, ठीक है, आप नहीं निकाल सकते, अगर आप इस तरीके से बना दोगे एग्जाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नंबर जीरो मिलेंगे। फिर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, वन टू थ्री फोर, एक और मेथड है फार्मूला मेथड, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि उसी से ही चेक हो रहा है, ये टू बाई टू, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले वन बाई, इसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे शॉर्ट ट्रिक से, तो वन बाई लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ क्रॉस कर लो, फोर माइनस सिक्स, ठीक, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज कर देंगे, डायगनल वाले एलिमेंट को बिना साइन को चेंज किए, फोर यहाँ चलाएगा, वन यहाँ चलाएगा, ओके, फोर यहाँ चलाएगा, वन यहाँ चलाएगा, और ये नॉन डायगनल एलिमेंट्स को साइन के साथ चेंज करेंगे, थ्री यहाँ चलाएगा माइनस थ्री, और टू चलाएगा इधर, है ना, फ्लिप कर जाएगा ये, थ्री उस तरफ साइन के साथ, प्लस है तो माइनस थ्री, माइनस है तो प्लस थ्री, और टू इधर चलाएगा इसके एड्रेस पर, तो माइनस टू आ गया, ठीक है। नॉन डायगनल वाले एलिमेंट्स को साइन के साथ चेंज करेंगे, डायगनल वाले एलिमेंट्स को बिना साइन के चेंज करेंगे, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आएगा, फोर माइनस थ्री यहाँ आ गया, माइनस टू वन यहाँ आ गया, वन बाई माइनस टू, अंदर भेजो, अंदर माइनस टू से सबको डिवाइड करो, ये माइनस टू, ये वन, ये प्लस थ्री बाई टू, ये माइनस वन बाई टू, देखो ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, मतलब हमारा जो आंसर आया वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे मैट्रिक्स को भी देख सकते हो, ए इज इक्वल टू हमने लिखा है फाइंड ए इनवर्स वी हैव, अब यहाँ देखो ए इज इक्वल टू क्या है, ए आई हमने लिखा है थ्री फाइव वन सिक्स, मैंने अभी शुरू वाले पहले वाले सम में क्या बताया था, यहाँ पर वन होना चाहिए, वन नहीं होगा तो हम यहाँ वन लाएंगे, स्टार्ट करने का तरीका यही है, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई या आई इंटू ए, ठीक है, ए ऐसी रखेंगे, आई की जगह टू बाई टू का मैट्रिक्स रखेंगे, अगर ये थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स होता तो हम यहाँ थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स रखते और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीन ऑर्डर के लेते, लेकिन अभी आप लोग तीन बाई तीन के मैट्रिक्स को नहीं बनाना, आपसे नहीं बनेगा, सबसे पहले टू बाई टू को परफेक्ट कर लो, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, जब ये बनने लग जाएगा तो वो थ्री बाई थ्री पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमने फिर से उसी को लिख दिया है थ्री फाइव वन सिक्स ए वन ज़ीरो ज़ीरो वन, हमने पहले बताया था ना, इसको चेक कर लेंगे, थ्री सिक्स जे एटीन माइनस फाइव थर्टीन हो रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद हम उसी तरीके से सबसे पहले यहाँ पर के एलिमेंट को वन बनाएंगे, तो इससे नीचे देखो यहाँ पर वन है, तो वन सिक्स, तो रो वन को रो टू से इंटरचेंज कर देते हैं, रो वन वाला एलिमेंट रो टू में चल जाएगा, रो टू वाला रो वन में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरफ को चेंज करते हैं, इस तरफ को चेंज नहीं करते हैं, आपको दोनों तरफ पैरेलली काम करना है, इधर भी करना है, ये जीरो वन इधर चला आएगा, वन जीरो यहाँ चला आएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से काम करेंगे कि अब क्या करेंगे, वन के नीचे क्या बनाना है हमको, पहले यहाँ वन बनाना है, फिर यहाँ इसके बाद आपको जीरो बनाना है, फिर यहाँ पर वन बनाना है, फिर इसके बाद आपको जीरो बनाना है, ये काम है, तीन ऑपरेशन करना है। तो रो टू इज रिप्लेस बाई रो टू माइनस, क्या करना होगा, थ्री से ही घटेंगे तब जीरो होगा ये, थ्री रो वन, इधर कुछ भी बने मैटर नहीं है, थ्री सिक्स जाए एटीन हो जाएगा ये, तो वन सिक्स हमने ऐसे ही लिख दिया, थ्री माइनस थ्री जीरो, थ्री सिक्स जाए एटीन, फाइव में से एटीन गया माइनस थर्टीन, ए
जीरो वन वैसे ही है, वन में से जीरो गया तो वन ही होगा, जीरो में से माइनस थ्री ऑपरेट होगा, ये थ्री रो वन में जीरो माइनस थ्री आ गया ये। फिर अब क्या करना है, रो टू इज़ रिप्लेस बाय, इसको वन बनाना है ठीक है, माइनस वन बाय थर्टीन से रो टू को मल्टीप्लाई कर दो, ये रो टू को इधर के रो टू को, तो वन सिक्स ये जीरो वन बन गया ए, ये जीरो वन, ये माइनस वन बाई थर्टीन, ये प्लस थ्री बाई थर्टीन। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको ज़ीरो बनाना है, तो क्या करेंगे, ये रो वन में, रो वन इज़ रिप्लेस बाय रो वन माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ रो टू करेंगे, जो एलिमेंट यहाँ पर है वही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा वन जीरो जीरो वन। यहाँ थोड़ा ध्यान से करेंगे ना, रो वन को चेंज कर रहे, लिखा है रो वन में देख के, जीरो वन जीरो माइनस, जीरो में से क्या माइनस करना है, सिक्स टाइम्स ऑफ दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो प्लस सिक्स बाई थर्टीन वही होगा, फिर वन में से माइनस करना है सिक्स टाइम्स ऑफ दिस, वन माइनस सिक्स थ्री जा क्या हो जाएगा, एटीन बाई थर्टीन, थर्टीन बन जा थर्टीन में से एटीन गया, माइनस फाइव बाई थर्टीन, तो ये आ गया रो टू, तो एज इट इज रहेगा ना, तो ये हमारा आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया ए, ये हो गया ए इनवर्स, ए इनवर्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स हमारा मिल गया, ये आंसर हो गया ठीक है। चेक करते हैं इसको हम, तो ए इज इक्वल टू थ्री फाइव वन सिक्स था, ए इनवर्स हम निकालें, वन बाई कर देंगे हमेशा, ये फॉर्मूला मेथड है ठीक है, वन बाई थ्री सिक्स जै एटीन फाइव, थ्री सिक्स जै एटीन माइनस फाइव ठीक है, और ये क्या करना है, इसको चेंज करना है बिना साइंस के, सिक्स इधर थ्री इधर, और इसको साइन के साथ, फाइव इधर आएगा माइनस फाइव, वन इधर आएगा माइनस वन, रो वन को भेज देंगे, रो वन को भेज देंगे कहाँ, कॉलम वन में, रो टू को भेज देंगे कहाँ, कॉलम टू में ठीक है, रो वन को हमने भेज दिया कॉलम वन में, रो टू को कॉलम टू में। अब देखो थर्टीन को अंदर भेज दो, ये कितना आ गया, सिक्स बाई थर्टीन माइनस फाइव बाई थर्टीन माइनस वन बाई थर्टीन, ये थ्री बाई थर्टीन। ओके, तो ये देखो ये दोनों आंसर सेम है, ये आंसर, ये दोनों आंसर सेम है, तो ये करेक्ट हो गया ना। तो इसी तरीके से आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इसको देखकर आप बनाओ, बुक से प्रैक्टिस करो, आई होप आपसे फिर क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, थैंक यू।